ये मिनी स्ट्राइक पीओके की लीपा घाटी में हुई है, जहां आतंकवादियों की मदद करने वाली पाकिस्तानी सेना की पोस्ट को भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। आज तक के पास भारतीय सेना की कार्रवाई का वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जो हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की इसी पोस्ट के पास आतंकवादियों का कैंप भी है। ये वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसे भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। देखिए किस तरह से वो जो सामने धुएं का गुबार उड़ता हुआ आप देख रहे हैं, आवाज जो गूंजती हुई आपको सुनाई दे रही है, पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने वाली पाकिस्तानी सेना की इस पोस्ट को भारतीय सेना ने उड़ा दिया है, ध्वस्त कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आज तक पर आप ये देख रहे हैं। पाकिस्तान को एक करारा मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है। ये पोस्ट है जहां से पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों घुसपैठियों को मदद करती है भारतीय सीमा में घुसने की, लीपा घाटी में। यह जो इस पोस्ट को भारतीय सेना ने इसे निशाना बनाया, इसे पहचाना और इसे तबाह कर दिया, उड़ा दिया है। आज तक के पास भारतीय सेना की कार्रवाई का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान सेना की इसी पोस्ट के पास आतंकवादियों का कैंप भी है और आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में इसी पोस्ट से भारत की तरफ से फायरिंग की जाती है। आइए सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी के पास। मंजीत, कैसे हुआ ये, क्या और जानकारी आपके पास है? देखिए सही, खास तौर से सर्जिकल स्ट्राइक के एक साल पूरा होने के मौके पर पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से सेना की मदद से फायरिंग के आड़ में बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं घुसपैठ की फिराक में थे। कई जगह उरी से लेकर नौगाम तक कई ऐसे इलाके हैं एलओसी से जहां पर बैट एक्शन की कार्रवाई की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, आतंकियों की तरफ से हो रही थी, घुसपैठ की कोशिशें हो रही थी। और ये नौगाम से लगा लिपा वैली का इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहाँ पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी कोशिशें हुई घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तानी सेना की मदद से हो रही थी। इस दौरान पाकिस्तानी सेना फायरिंग की करती है और खासतौर से उसका फायदा उठाकर जो आतंकी हैं वो जो नाले हैं, जो नदी है, उसके रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते हैं। और ऐसे में भारतीय सेना ने बड़ी सीधी कार्रवाई की है, ऐसी पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया है जिसकी मदद से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी लिपा वैली के इलाके से, और वहां पर सीधे तौर पर मोर्टार से पाकिस्तानी सेना की उस पोस्ट को साफ तौर से उड़ा दिया गया है। कुछ आइडिया मंजीत, ये पोस्ट के पास आतंकवादियों का कैंप भी है, कितने आतंकवादी वहां पर होंगे, उन्हें भी कोई नुकसान पहुंचा है और क्या उन्हें भी हमने निशाना हमारी सेना ने बनाया है? मंजीत, पहले शहीद खासतौर से रात के वक्त जो हमारे सर्विलांस की इक्विपमेंट है उनकी मदद से रात में उस लिपा वैली की स्पोर्ट्स, खासतौर से इस स्पोर्ट्स से उन तीन से चार आतंकियों की घुसपैठ की तस्वीरें कैद की गई, हमारे थर्मल इमेजन में उनकी तस्वीरें कैद की गई। उसके बाद इस पोस्ट से खासतौर से पिछले काफ़ी दिनों से और खासतौर से सर्जिकल स्ट्राइक के पिछले अगर 10 से 15 दिनों की बात करें उस दौरान से काफ़ी घुसपैठ की कोशिशें इस इलाके से हो रही थी। सेना के मुताबिक 7 से 8 आतंकी अलग अलग ग्रुप में इस इलाके से खास तौर से थर्मल इमेज में उनकी इमेज में उनको देखा गया और उसके बाद पिन पॉइंट करके इस पोस्ट को निशाना बनाया गया जहां से फायरिंग और घुसपैठ की आड़ में जो खास तौर से आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे। और सही, इसके अलावा जो पूरी लिपा वैली का इलाका है वहां पर पाकिस्तानी पोस्ट के साथ ही कई ऐसे आसपास ऐसे कैंप हैं जहां से जो एक तरह से लॉन्च पैड का काम करते हैं। बहुत धन्यवाद मंजीत। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर पाकिस्तानी पोस्ट की है जो आतंकवादियों की मदद करती है। भारतीय सेना ने इस पोस्ट को उड़ा दिया है और भारतीय सेना की जाबाज बहादुरी भरी कार्रवाई का एक्सक्लूसिव वीडियो है। और अब पाकिस्तानी कारस्तानी और करतूत का एक और सबूत आइए हम आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में एक टनल मिली है, गुफा मिली है, सुरंग है जो जिसका दूसरा सिरा पाकिस्तान में जाता है। अरनिया सेक्टर में मिली 14 फीट लंबी इसी सुरंग से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ने खुद इस सुरंग में अंदर जाकर इसका जायजा लिया है। मैं इस वक्त अरनिया सेक्टर में उसी टनल में हूं। यह है टनल का सच। टनल के सच में जो है ये 13 फुट की टनल है जो कि बिल्कुल नजदीक है, और इस टनल को बनाने में करीबन 2 या 3 दिन लगे होंगे। ये यहां पर 7 से 8 जो है
आतंकवादी हो सकते हैं या पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के या पाकिस्तानी रेंजर्स के लोग। ये टनल काफी लंबी है, ये टनल जो है आगे जाकर 13 फुट 14 फुट खुदी हुई है, उसके बाद जो है करीबन 30 फुट या 35 फुट जो है वो जो है वहां पर जो पूरा जो फेंसिंग का इलाका है उसको क्रॉस करना था इनको। और उनका जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि उनका दशहरा एक और या उसके बाद दिवाली है उसको टारगेट कर सकते हैं। ये इलाका है जहां से पाकिस्तानी आतंकवादी क्रॉस करके इस टनल को बनाया था उन्होंने, ये खतरनाक टनल है। हाँ, हम इस वक्त पाकिस्तान की पूरी फायरिंग रेंज के अंदर है और उससे पहले कि हम यहां पहुंचे उससे पहले बीएसएफ के जवानों ने पूरा इलाका जो है इसको घेर लिया है और यहां पर ये लोग प्रोटेक्शन में है कि कभी भी पाकिस्तान फायर खोल सकता है। ये छठी टनल है, इससे पहले पाकिस्तान ने इसी इलाके में 3 टनलें बनाई थी। उससे पहले सांबा सेक्टर से पहले अल्लामाईदी कोठी जो कि आरसपुरा सेक्टर था वहां भी काफी बड़ी टनल खोदी गई थी और काफी जो टनलें हैं वो लगातार जो पाकिस्तान खोद रहा है ये इसलिए खोदा जा रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर के काफी नजदीक है, उसी वजह से ये टनल खोदी जा रही है।